नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंदी गठबंधन की घंटों चली बैठक, इस मैराथन बैठक से आखिरकार निकला क्या है? तो आपको बता दें कि इस बैठक में कुछ बातें तय हुई है कि बहुत देर हो रही है, लोकसभा चुनाव के लिए टाइम नहीं है, लिहाजा 3 हफ्ते के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूला और कहां कहां ज्वाइंट कार्यक्रम होंगे, कहां कहां आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा, सब कुछ निकल करके बाहर आ जाना चाहिए। सुनिए मनोज झा क्या बता रहे हैं। कुछ हुई मोटा मोटी, बहुत साफ साफ बात हुई। सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर, बहुत यार, सर सीट बहुत सक्सेसफुल, सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो बता रहे हैं कि 20 दिन के अंदर हम सब कुछ तय करके मैदान में निकल जाएंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लिए काफी मायने रखती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का टकराव हुआ, ऐसा लगा जैसे कि इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस का ईगो खत्म हो गया, लिहाजा अब गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो एक बात जरूर कहते हैं कि हम सबसे मजबूत पार्टी हैं यूपी के, लिहाजा हम तय करेंगे कि कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। सुनिए उनको। ये कैसी लगे? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो, क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल है उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है? मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसा तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ, सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ, चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई, ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्द ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाहर बोलते हैं, सदन के अंदर नहीं आते। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रिज हुआ और उस पे सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से सदन में कोई बयान नहीं आ रहा है, लिहाजा उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया। लेकिन सब इनको भी सुन लीजिए। देखिए, आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीस अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं किए, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं। 3 नेताओं को आपने सुन लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस बैठक में हुआ क्या? तो आपको बता दें कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के प्रारंभिक बातचीत हुई है और ये हुआ है कि जो भी जहां भी आप लड़ना चाहते हैं, वैसे अपनी अपनी कुछ लोग लिस्ट लेकर के गए थे, इस पे विचार करके और एक फार्मूला तय कर लिया जाए। वो फार्मूला के लिए 20 दिन का समय लिया गया है और कैंडिडेट का नाम भी तय करने को कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार कहीं भी झुक नहीं रही है, लिहाजा क्या धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि इंडी जब तक एक होकर के नहीं करेगा तब तक संदेश नहीं जाएगा। खास बात यह है कि जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है और जो लोकसभा का चुनाव होने वाला, अब इसके बीच में किसी राज्य का चुनाव नहीं है,
लिहाजा इंडी गठबंधन ने यह भी तय किया है कि सामूहिक रूप से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान तो मार्च में होगा, अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तो ये मोटा मोटी सहमति बनी है जैसा कि मनोज झा ने इस तरफ इंगित किया। अब सबसे सीट शेयरिंग के साथ साथ सबसे अहम जो सवाल है कि फेस कौन होगा, तो गठबंधन में एक वर्ग ऐसा है, कुछ नेताओं का समूह ऐसा है, इसमें 28 दल शामिल हुए, जो ये कह रहा है कि यदि हम फेस लेकर के मैदान में उतरते हैं तो आसानी हो जाएगी, अदरवाइज बीजेपी और एनडीए ये सवाल उठाएगी कि आपका नेता कौन है, यदि आपको जनता जिताएगी तो फिर तो आप जा करके पीएम के लिए लठमलठ करेंगे, लिहाजा पहले नाम तो बताइए। ये वर्ग ये जो है तर्क दे रहा है कि फेस सामने आना चाहिए, बट चूंकि उसको लेकर के झगड़ा हो सकता है इसलिए उसको पीछे रखने की कोशिश हो रही है। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया है कि इनके नाम पे सहमति बननी चाहिए, दलित चेहरा है, बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभव है इनको, लेकिन उनके नाम पे क्या सहमति बनेगी कि, क्योंकि एक बात ये भी खबर आती रही है बेशक बीएसपी अभी तक इसमें शामिल नहीं हो रही है कि आइन मौके पे बीएसपी भी इसमें शामिल हो सकती है, बशर्ते कि गठबंधन यदि जीते तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो समझिएगा कितना बड़ा पेच है, इसी वजह से दलित फेस का नाम लिया गया है, अभी उसको लेके कुछ तय नहीं हुआ है, इसको आगे के लिए लगातार टाला जा रहा है कि जब चुनाव जीत करके आएंगे तब मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन होगा पीएम, अभी इसको न छेड़ा जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया है उससे जो है अब सभी दल, जैसे मान लें कि नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी खुद है, शरद पवार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जो जो दावेदार हैं, नीतीश कुमार का तो पोस्टर आज भी लगा है, तो जो जो दावेदार हैं या यूं कहें कि उनके समर्थक उनको दावेदार बता रहे हैं तो वो चुप तो नहीं रहेंगे, वो भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, चाहे तरीके से आगे बढ़ाएं। 12 प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के प्रारंभिक बातचीत हुई, ममता बनर्जी ने अपनी राय रख दी। दूसरी बात कि 20 दिन के अंदर सब तय हो जाएगा, सीट शेयरिंग फार्मूला भी तय हो जाएगा, कहां कहां कार्यक्रम होंगे ज्वाइंट, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये सब कुछ तय हो जाएगा, ये इनका कहना है। एक घटनाक्रम और हुआ है कि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, 3 राज्यों हिंदी पट्टी में बीजेपी बंपर जीती है, तो ईवीएम पे सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने खुल करके तो नहीं बोला, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने इस तरफ इशारा किया है, और संजय राउत ने कहा था कि अच्छा एक बार बैलेट पेपर से ही चुनाव करा के लोगों का भ्रम दूर कर दीजिए, तो ईवीएम को लेकर के भी मुद्दा बनाया जा सकता है। हालांकि ये सब कुछ तय करना है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन चुनावी मुद्दे बनाने में फायदा ये होता है कि समर्थकों को एक मैसेज जाता है कि यदि हम हार भी जाते हैं तो ईवीएम की वजह से हारे। तो प्रधानमंत्री का चेहरा और सीट शेयरिंग फार्मूला और मुद्दे, इन तीनों पे प्रारंभिक चर्चा हुई है, 20 दिन के अंदर ये लोग तय करेंगे, आगे इसको जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए एक बार, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।